दोस्तों ड्रैगन ही नहीं बल्कि अमेरिका की भी हालत हो गई खराब। जी हाँ दोस्तों, भारत बना रहा है मायावी हथियार। रूस और यूरोपियन देशों ने कहा कि भारत ने अगर इस हथियार पर महारत हासिल कर ली तो भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। यकीन मानिए दोस्तों, इतना खतरनाक हथियार आज के समय में ना तो रूस के पास है ना ही अमेरिका के पास है। वीडियो में आज इस हथियार के बारे में बात करने वाले हैं। बस वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, जाइए फटाफट चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। देखिए दोस्तों, पिछले कुछ सालों के अंदर आप लोगों ने गौर किया होगा कि चीन की चाल जब एलएसी पर नहीं चल रही है तो वो भारत की जासूसी करने के लिए हिंद महासागर में अपने सीक्रेट जहाज भेज देता है। भारत जब भी कभी अपनी एडवांस मिसाइल का या फिर अपने किसी सीक्रेट हथियार का परीक्षण करना चाहता है, तुरंत ही चीन का जासूसी जहाज हिंद महासागर में अपनी दस्तक दे देता है। अब ऐसे में दोस्तों, पूरी दुनिया का ये मानना है कि चीन की नौसेना को बर्बाद करने के लिए भारत यहाँ पे एक ऐसी मिसाइल को डेवलप कर रहा है जो कि इतनी ज्यादा एडवांस है कि चीनी नौसेना के ताज को बहुत ही आसानी से छीन सकती है। देखिए दोस्तों, ये मिसाइल ऐसी टेक्नोलॉजी पर बेस है कि अभी तक ना तो अमेरिका ने इस टेक्नोलॉजी पर कोई बड़ी सफलता प्राप्त की है और ना ही अभी तक रूस ने और ना ही चाइना ने इस पर कोई बड़ी सफलता प्राप्त की है। देखिए, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं भारत की हाइब्रिड मिसाइल के बारे में। अभी आपके माइंड में आएगा कि हाइब्रिड मिसाइल। देखिए दोस्तों, भारत यहाँ पे एक ऐसी मिसाइल बना रहा है जो कि टारपीडो का भी काम करेगी और क्रूज मिसाइल की तरह दुश्मन पर हमला भी करेगी। देखिए, यहाँ पे भारत स्मार्ट नाम की एक ऐसी मिसाइल को डेवलप कर रहा है जो कि हाइब्रिड मिसाइल कही जाती है, क्योंकि इसमें टारपीडो की टेक्नोलॉजी और एक क्रूज मिसाइल की टेक्नोलॉजी, दोनों की दोनों टेक्नोलॉजी लगाई गई है। सबसे पहले तो आप किसी भी फाइटर जेट से या फिर हेलीकॉप्टर या फिर किसी भी शिप से आप इस मिसाइल को अपने दुश्मन की तरफ भेज सकते हो। ये क्रूज मिसाइल की तरह दुश्मन की तरफ बढ़ेगी। उसके बाद दोस्तों, मान लीजिए कि पानी के अंदर आपका दुश्मन पनडुब्बी लेकर आता है, ये बहुत ही आसानी से अपने टॉर्पीडो को लॉन्च करके पानी के अंदर ही अंदर दुश्मन की पनडुब्बी को भी तबाह कर सकती है। उसके बावजूद अगर आप शिप को तबाह करना चाहते हो तो ये शिप को भी तबाह कर सकती है, क्योंकि इसमें क्रूज मिसाइल की टेक्नोलॉजी और एक टॉर्पीडो की टेक्नोलॉजी दोनों की दोनों लगाई जाएंगी। अब बताया जा रहा है कि अभी ऐसी टेक्नोलॉजी पर अमेरिका और रूस जैसे देश काम कर रहे हैं, सफलता उन्हें भी नहीं मिली है, लेकिन भारत यहां पर इस मिसाइल पर काफी बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त कर चुका है। आने वाले कुछ सालों के अंदर भारत इस मिसाइल को अपनी सेना में शामिल कर लेगा और पूरी दुनिया का ये मानना है कि जैसे ही ये मिसाइल भारतीय सेना में शामिल होती है, उसके बाद चाइना जो अपनी नौसेना पर काफी ज्यादा उछलता है, चाइना की बादशाहत को भारत बहुत ही आसानी से छीन लेगा। लेकिन आप लोगों का क्या मानना है भारत की स्मार्ट मिसाइल को लेकर, नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। बस चलते चलते आपसे एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, जाइए फटाफट चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, चलता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।